अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, एक गिलास है प्याला कांच का, कांच का है, उसमें पानी भर दिया गया है। अब देखो महावीर भगवान किस प्रकार आज निर्वाण को प्राप्त करते हैं। उसी में ऊपर से एक शक्कर की मिठाई जिसको बोलते हैं बतासा, है बतासा, तो वह मीठी है, उसको देख करके सब लोग पहचानते हैं। अब उसके उसके भीतर उसको छोड़ दिया, छोड़ते ही वह सीधे न जा करके यूं लहराता हुआ नीचे की ओर जा रहा है। जैसे 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 वह नीचे की ओर जा रहा है, उसका आकार भी छोटा होता जा रहा है। छोटा क्यों हो रहा है? उसमें पानी और भरने से मोटा होना चाहिए था, नहीं। जो स्वस्थ होते हैं उनके शरीर में कोई भी भोजन कर लो वो सब भस्म हो जाता है। एकमात्र एक ही दिन में वीर तक उसका परिणाम हो जाता है, न पसीना आता है, न ही और कोई मल मूत्र होते हैं, कुछ भी नहीं होते। यह परिणाम बस तीर्थंकरों का ही नहीं, सभी का इसी प्रकार होता होता जाता है। तल तक पहुँचते पहुँचते पूर्णतः वो बतासा निराकार हो गया। अनंत काल से आज तक रसमय, गंधमय, स्पर्शमय, आकार प्रकार आकृतियां सभी संसारी जीवों को प्राप्त होती थी, संस्थान प्राप्त होता था। महावीर को भी इसी प्रकार सब मिलते गए, किंतु इस भाव में उन्होंने ऐसी साधना की, वहाँ आकृति अनंत कान के लिए ऐसी कृति बन गई, वो कृतकृत्य हो गए। आज हमने मैंने सोचा था निर्वाण कल्याण हो रहा है और लाडो चढ़ाने की परंपरा है, हम भी उसमें शामिल हो जाए। उसी बीच में सब बोलियां तो हो चुकी थी, तो बोले जब तक पूर्ण नहीं होते तब तक तो कुछ बोलना नहीं, तो हो गई थी पूरे, पूरी हो गए, अच्छी बात। लेकिन ये लोग बनिया लोग हैं, एक आध भूली और रख रखी थी, भूलने लगे। पहले तो 11,000, 21,000, 25,000, अब यहाँ आने के उपरांत 11,00,000 से प्रारंभ। क्या मतलब? हाँ, हमने सोचा इनको भी कुछ सबक तो पढ़ाना पड़ेगा। सुनो, ये बहुत अच्छी बोली हो रही थी, इसके कारण और भी बोलियां तैयार हो सकती है।
अब ये ध्यान रखो, इनको अध्यक्ष जी को बुलाया, देखो हमारा मन कर रहा है यह खारो पानी में पूरे पूरे धन राशि जाना चाहिए। आज का महावीर भगवान के निमित्त से यदि हुआ है तो इस प्रकार होना चाहिए, यदि हमें भी आपने अभिषेक कर लिया तो हमने भी हाउ कर दिया। देखिए ये क्या होता है, तो होता वही है जिस भाग्य का जिस क्षेत्र का रहता है वो बुलाता है, सबको बुलाता है और अंत वो गतवा वहाँ पर इसके लिए तैयार हो गए। तो बहुत अच्छी है, आप लोगों ने एक प्रकार से मोह का त्याग किया है। वैसे पहले तो भूली में त्याग किए थे, वो तो लेने के लिए कर रहे थे, अब तो यह और इसमें वहाँ तक जाते 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 और भी राशि यदि कोई मिलाना चाहे स्वागत है। नहीं उनके यहाँ वहाँ पर जो हो रहा है ये तो सब लोग जानते हैं, लेकिन वहाँ पर जैन जैने तक बल्कि यूं कहना चाहिए पूरे अजैन के अलावा और कोई वहाँ पर है ही नहीं, और कम से कम भी हजारों के संख्या में वहाँ एक प्रकार से निष्प्रज्ञ क्या है, अहिंसा क्या है, धर्म क्या है, पाप पुण्य क्या है, और एक प्रकार से आपस में परस्पर परोपकार करने की ये परंपरा वहाँ पर हो, इस बात को लेकर के उनको अपने पैरों पर खड़ा करना और आप लोगों के निमित्त से यह कार्य संपन्न होने जा रहा है। ऐसे ही आप लोग इन भक्तियों के साथ साकार धर्म एक प्रकार से वो भी आप जैसे ही आत्मतत्व को धारण करने वाले हैं, वे भी आप जैसे ही जानते हैं सुनते हैं सब कुछ कार्य करते हैं, किंतु यह रूढ़ी होने के कारण अपने आप को वो दीनहीन मानते हैं। लेकिन समूह शरण में कोई दीन की कोठी हो है? आप हो तो बना ही दोगे। वहां पर कोई भी दीन नहीं है, चाहे चक्रवर्ती हो चाहे सामान्य कोई भी हो, ये सब मनुष्य कोठी में आ जाते हैं। इसको देखकर आप देखने का सौभाग्य तो प्राप्त नहीं हो रहा है, लेकिन देखने से ये कम नहीं है। जिनवाणी के माध्यम से हम सुनते हैं, आंखें बंद करके देखते हैं कि आज भी वह दृश्य इसी पृथ्वी तल पर हो रहा है। साक्षात जिनेंद्र भगवान समूह चरण में बैठे हैं, उपदेश दे रहे हैं, और यही निष्परिग्रह का उपदेश वहाँ पर भी होता है। ऐसा नहीं है कि महावीर भगवान ने ही अल्प परिग्रह को या पूर्ण परिग्रह का त्याग कर दो, ऐसा नहीं। कोई भी हो 360 एक प्रकार से 370 हाँ विधेय इत्यादि जो है संख्या होते, इतने समोचरण होते हैं, प्रत्येक का एक ही मात्र सिद्धांत रहता है। संसारी प्राणी जैसे वह शक्कर के रूप में है तो देखने में आ रहा, स्पर्श में आ रहा, सब कुछ में आ रहा, किंतु जो ही उसमें आ गया तो जैन धर्म ऐसा आपको निराकार बना देने वाला है। आप साकार बनना रहते हो या निराकार बनना चाहते हो? निराकार, सारे सारे आकार को उतार दो, देर नहीं लगने वाला है। हम अपने आप को विपरीत जान रहे हैं, विपरीत मान रहे हैं,
विपरीत ही अनुभव कर रहे हैं। मैं बड़ा हूं, किसी ने एक नहीं कहा दिव्य ध्वनि के द्वारा ये बड़ा है, फिर आपने माना क्यों? ये मनवा ही जाता है महाराज, मन में आ जाता है। तो दिव्य ध्वनि में मन में क्यों नहीं आया? ये मान्यता है। अब इस मान्यता को पूर्ण समाप्त करना है। हम कौन है? तो हम निराकार हैं और चैतन्य पिंड है, इसके अलावा हमारा कोई धन है ही नहीं। दूसरे धन को लेकर के अपने आप को धनी मत बनाओ, अपने भीतर की धन को, संपदा को बाहर लाओ और उसके द्वारा आप बनाओ, ऐसा आनंद किसी प्रकार से नहीं आएगा। बहुत अच्छा है, आज हम भी सुबह सुबह क्या हो गए, हम भी जैसे वीरनाथ भगवान को मुक्ति मिली उसी प्रकार चातुर्मास से हमें भी मुक्ति मिली। हाँ, यह एक बहुत अच्छा अवसर है और यहाँ पर शांतिपूर्वक लाखों की जनता आई और वो संतुष्ट होकर के चले गए। मुख्य रूप से हमने भी सोचा कि हमें भी कुछ उदारता रखना चाहिए, यहाँ पर थोड़े से बैठने की इत्यादि के अपेक्षा से जनता को सही ये व्यवस्थित नहीं हो पाता, लेकिन हम कोई बात नहीं, दो मिनट कम से कम हम खड़े हो करके सबको आशीर्वाद और समय समय बांधा था, उससे पहले ही आकर के बैठ जाते थे पहले ही आकर के बैठ जाते थे, तो जो पहले बैठते थे उनकी ओर हम पहले हाथ नहीं ले जाते थे पहले हवा दूर से आता था, फिर इसके उपरांत सामने से यू चला जाता था। इसलिए वो इतनी दूर से आए हैं तो हम अपने पास ही हाथ रखते हुए यू बिल्कुल बंद हो, कब बंद होने वाला है उस समय वो विशेष रूप से ध्वनि करते हैं। हाँ ठीक है, इस प्रकार यह है, प्रतिदिन तीन तीन चार चार बार जैसे दिव्य ध्वनि खिलती है ना, और उनकी प्रसन्नता को देख करके ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा काम हो गया है। अहिंसा परमो जय।